नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाइस में। दोस्तों बात करें राजस्थान संविदा कर्मियों की तरफ से क्या अपडेट निकल के सामने आ गई, तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशी की बात निकल के सामने आई। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, संविदा कर्मी से हर पल की अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरे थंबल पर देख गए होंगे, खुशखबरी 70,000 प्लस संविदा कर्मी हुए नियमित, 10,528 को नियुक्ति आदेश जारी, शमशेर भालू खान से हुई बात, 7 विभाग ही क्यों नियमित हुए। दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बता दूँ। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो चुनाव आयोग से फैसला निकल के आया है सामने आप लोगों का, वो 70,000 प्लस संविदा कर्मियों को नियमितीकरण को लेकर के आया। दोस्तों 70,000 प्लस संविदा कर्मी जो है कल तक नियमितीकरण आदेश जारी हो जाएगा उन लोगों को, यानी 70,000 प्लस संविदा कर्मी जिन भाइयों का 9 साल से 15 साल और 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को जो है बिना IAS पैटर्न के थ्रू आप लोगों का नियमितीकरण होगा। यानी दोस्तों कल तक जो है आप लोगों का नियमितीकरण पूरा का पूरा चांस है कि 70,000 प्लस संविदा कर्मियों को नियमितीकरण हो जाएगा, और 10,528 वालों की जिन भाइयों के नियुक्ति आदेश जारी होना था, लेटर मिलना था, उन लोगों का जो बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, वो लोग तो कल पक्का ही जो है 10,528 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश मिल जाएगा कि आप लोगों को किस दिन ज्वाइनिंग करना है। दोस्तों शमशेर भालू खान जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं आप लोगों को हर पल अपडेट देता रहूँगा, कि जैसा कि अभी उन्होंने अपडेट दे दिया कि 70,000 संविदा कर्मियों को लेकर के कल मीटिंग एक बार फिर से होगी, उसमें जो है आप सभी को जो है फैसला बता दिया जाएगा कि कब जो है नियमितीकरण का डेट आ रहा है, क्या कब आप लोगों का नियुक्ति आदेश जारी हो रहा है। दोस्तों टोटल 7 विभाग होंगे, इसमें से एक विभाग वंचित रह जाएगा, बट दोस्तों जो विभाग वंचित है वो चुनाव के बाद हो जाएगा। अब वंचित विभाग है दोस्तों जनता जल योजना। मेरे प्यारे भाइयों आप लोग बस धैर्य बनाइए, बस आप लोग धैर्य बना करके रहिए, आप लोगों का नियमितीकरण होगा मेरे दोस्तों। चुनाव से पहले कुछ विभाग का नियमितीकरण होगा और कुछ विभाग का जो है चुनाव के बाद होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।